भदोही ज्ञानपुर से नेहाल अली पत्रकार की रिपोर्ट। कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय गान के साथ ध्वजवंदन कार्यक्रम का किया आयोजन। ज्ञानपुर भदोही अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई के निर्देशानुसार सेवा दल उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष प्रमोद पांडेय के आह्वान पर भदोही मुख्य संगठक राजबहादुर सिंह की अध्यक्षता में आज रविवार को स्थानीय गांधी पार्क में सेवा दल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने स्वशून्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया। इस मौके पर भदोही के सेवा दल पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा वंदे मातरम एवं ध्वज गीत तथा राष्ट्रगान के साथ ध्वजवंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य संगठक राजबहादुर सिंह ने कहा कि सेवा दल कांग्रेस पार्टी की रीढ़ है। सेवा दल कार्यकर्ताओं में सेवा अनुशासन त्याग की भावना भरी रहती है, इसलिए सेवा दल को अनुशासन एवं जज्बे के लिए जाना जाता है। हम सभी को संगठित होकर प्रत्येक गांव न्याय पंचायतों में सेवा दल की इकाइयों को प्रभावी बनाकर कार्य करना होगा, तभी हमारा संगठन व कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि जनगण मन हिंदी के संस्करण को भारतीय संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई थी और जनगण मन को पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। उन्होंने कहा कि हम सभी भारतीयों को यह महसूस होना चाहिए कि वे एक राष्ट्र में रहते हैं और हमें राष्ट्रगान व राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान रखना चाहिए। इस मौके पर विनोद गौतम, संजय मिश्रा, संतोष शुक्ला, शिव कुमार दुबे, संदीप मिश्रा, संदीप यादव, प्रभात यादव, ललन मिश्रा, शाहल एडवोकेट आमिर अंसारी, एक बिंदु सरोज, विकास सिंह, प्रेम बहादुर गौतम सहित कई अन्य शामिल रहे।